इधर साहिबगंज जिले के युवा पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव से विभिन्न मुद्दों को लेकर रिपोर्टर सुजीत कुमार की खास बातचीत में पुलिस अधीक्षक ने बेबाकी से अपनी बात रखी तो उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 को उन्होंने साहिबगंज जिला में अपना योगदान दिया। वहीं साहिबगंज जिले के बारे में बताया कि यहाँ गंगा यमुना तहजीब होने से इस महत्वपूर्ण स्थान होने का गौरव प्राप्त है। इस जिले की भौगोलिक स्थिति जो बिहार और बंगाल से सटा हुआ है इसे एक अनोखा जिला बनाती है। तो चुनौतियों के बारे में उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता सूची में है, साथ ही जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ने की बात कही। तो पीपीपी मोड को लेकर उन्होंने बताया कि पुलिस पब्लिक और प्रेस का समन्वय ही अपराध के ग्राफ को कम कर सकता है। तो वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उन्होंने उचित पार्किंग व्यवस्था करने की भी बात कही। सर, आप साहिबगंज जिला के एसपी हैं और आप जो है कि अभी वर्तमान में कुछ समय पहले यहाँ पदस्थापित हुए हैं, आपको जिला में क्या क्या चुनौतियाँ आपको लग रही है कि इस जिले में है, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मैंने यहाँ पर साहिबगंज जिला में 1 जनवरी 2024 को अपना योगदान दिया है। साहिबगंज जिला झारखंड में अपने में आप में एक यूनिक है, क्योंकि यही एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर गंगा नदी भी साथ में रहती है और इस जिले को भी महत्वपूर्ण इसी और कई अन्य मामलों में भी महत्वपूर्ण बनाती है। पुलिस के लिए यहां पर जो चुनौतियां हैं वो बाकी जिलों के अनुरूप ही हैं। कुछ यहां पर यूनिक चीज़ें हैं क्योंकि यहां पर का जो भौगोलिक परिदृश्य है दियारा को लेकर के और इनके जो बाउंड्रीज हैं बाकी स्टेट्स को लेकर के, बिहार में सटा हुआ बाउंड्री है या वेस्ट बंगाल में है, उससे संबंधित भी कुछ यहाँ पर यूनिक फैक्टर्स आते हैं। और कुछ यहाँ पर क्राइम ग्रुप्स पूर्व से भी रहे हैं, डकैती के हैं या फिर रॉबरी के कुछ ग्रुप्स हैं या फिर मोबाइल चोरी छिनतई के चोरी के कुछ ग्रुप्स हैं जो कि एक्टिव हैं, जो कि साहिबगंज स्पेसिफिक हैं और नियर बाई एरियाज नियर बाई डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक हैं। तो क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ स्पेसिफिक गैंग्स हैं जिन पर हम लोग विशेष रूप से काम करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि जो कुछ बच्चों को इसमें प्रयोग किया जाता है मोबाइल चोरी के गिरोह बना करके उसमें मास्टरमाइंड रहते हैं, उन बच्चों को इससे कैसे मुक्त किया जा सके और जो इनका फाइनेंशियल बैकबोन है या जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है जिसके माध्यम से ये क्राइम बच्चों के द्वारा करवाया जाता है उसको हम लोग पूरी तरह से ध्वस्त करेंगे। उसके साथ ही जो कुछ क्रिमिनल गैंग्स हैं जो कि बाकी राज्य के बाकी डिस्ट्रिक्ट या फिर देश के भी अन्य राज्यों में जाकर के चोरी की घटनाएं करते हैं बड़े पैमाने पर, उनको भी चिन्हित करके उन पर भी निगरानी रखी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो विधि व्यवस्था से संबंधित मामले हैं, खास करके अभी जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर के उस मद्देनजर रखते हुए हम लोग विशेष रूप से तैयारी भी कर रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई हम लोग इस संबंध में भी करेंगे। पीपीपी मोड जो होता है सर, कि इसको इसमें आप क्या समन्वय किस प्रकार बैठाएंगे? कि पुलिस का जो काम होता है वो पब्लिक के बीच का काम है और इसीलिए पुलिस के काम में पब्लिक का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। नॉट ओनली एज जो कि हम जो भी सर्विस देते हैं वो पब्लिक के लिए है, मगर फिर भी जो फीडबैक मिलता है वो पब्लिक से ही मिलता है, क्या समस्याएं किन जगहों पर हैं और पुलिस जो काम कर रही है उसकी गुणवत्ता को और उसकी एफिकेसी को और कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसे और कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं, उसके लिए पब्लिक का फीडबैक बहुत ज़रूरी है और पब्लिक का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, क्रिमिनल ग्रुप्स को टारगेट करने में पब्लिक का सपोर्ट, उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही प्रेस का भी सिमिलर रोल है जो कि पब्लिक के लिए एक माउथपीस बन करके आते हैं, कई सारी समस्याओं को पब्लिक के माध्यम से वो प्राप्त करके और एक पोर्टल पर अपने माध्यम से उसको पब्लिश करते हैं। तो प्रेस का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और हम लोग भी जो चीज़ें पब्लिक के को कम्युनिकेट करते हैं वो प्रेस के माध्यम से ही होती है, तो एक इम्पोर्टेंट मीडियम है और हम लोग बोथ पब्लिक और प्रेस को साथ में लेकर के काम करने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं। सर, आपके थाना क्षेत्र अंतर्गत एक थाना है कोटालपोकर थाना, जिसमें कि आए दिन कुछ क्रशर वगैरह या माइनिंग को लेकर के वहां से परिवहन विभाग के माध्यम से वहां से वारदातें आती रहती हैं, इसको इसकी क्या आप इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? सर, कोटालपोकर थाना क्षेत्र जो है वो दो जिलों से सटा हुआ है, जो झारखंड का ही पाकुड़ जिला है और पश्चिम बंगाल से भी सटा हुआ है। वहाँ पर वर्तमान में 4 चेकनाके संचालित किए जा रहे हैं जो जिला
खनन की टीम है और अंचल के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा ये संचालित किए जा रहे हैं। वहाँ पर पुलिस बल भी उपस्थित है और इसमें लगातार हम लोग जांच करते हैं। जो जिला खनन टास्क फोर्स समिति है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और अंचल लेवल पर, इन दोनों के द्वारा इसका अनुश्रवण भी किया जाता है और डायरेक्शंस दिए जाते हैं, और जो भी कहीं पर कंप्लेंट्स पाए जा रहे हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। और इसमें ऐसे जो मामले उजागर हो रहे हैं तो FIR भी दर्ज करके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मगर ये जो भी मामले यहाँ पर हैं, जो इश्यूज हैं, उसके लिए संदर्भ में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स के द्वारा डायरेक्शंस दिए गए हैं। CCTV कैमरास को प्रॉपरली ऑपरेट करना, उनको मॉनिटर करना और कोई भी इसमें गड़बड़ी ना हो उसको रेगुलरली चेक करते रहना इसमें, और एकदम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं। और हम लोग इसको रिव्यू भी करते हैं, जहां कमी पाई जाती है उसको करेक्शन भी करते हैं। कुछ दिनों पहले सर एक मामला प्रिंट मीडिया में भी आया था जिसमें कोटाल पोखर के जो प्रभारी हैं वर्तमान में, उनका भी नाम सामने आ रहा था कि उनकी भी कुछ भागीदारी है इसमें। इस पे क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, जो माइनर मिनरल्स के विरुद्ध कार्रवाई करनी होती है ये टास्क फोर्स के द्वारा की जानी होती है, और इसमें अंचल है, खनन विभाग है और पुलिस विभाग है, इन तीनों को मिल करके इसमें काम करना है और ये टीम बनकर के काम भी कर रही है। कोई पर्टिकुलर अगर कंप्लेन आता है तो हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच करते हैं और आवश्यक कार्रवाई भी करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर के सर आप जिले में किस प्रकार की व्यवस्था कायम करना चाहेंगे? जो डिस्ट्रिक्ट टाउन हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ पर जो रोड हैं, इसमें अभी कुछ काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि पार्किंग की व्यवस्था हम लोग प्रोवाइड कर सकें, और जो रोड साइड वेंडर्स हैं उनको सही जगह देकर के रीलोकेट, अगर कहीं रीलोकेट करना है तो उनको रीलोकेट किया जा सके, और जो ट्रैफिक है वो फ्रीली फ्लो हो सके। कई जगहों पर अभी रेलवे स्टेशन का भी काम हो रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक बाधित है, और भी कई जगहों पे काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ी समस्या आती है। मगर इसमें नगर निगम जो यहाँ पर साहिबगंज में नगर परिषद है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस विभाग, इन तीनों के द्वारा मिलकर के ये प्रयास किया जाएगा कि जो सड़कें हैं वो इंक्रोचमेंट से फ्री रहें और पार्किंग सही जगह पर हो, उनको सही व्यवस्था दी जाए और ट्रैफिक स्मूथली फ्लो।